आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक, नाउ आल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीडा गोरखपुर। डॉक्टर आशीष चौधरी और डॉक्टर केसी चौधरी के सफल प्रयास से जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक का प्रारंभ। जियो मित्र ई पॉलीक्लिनिक के ब्रांड एम्बेसडर गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल की देखरेख में एम्स, दिल्ली, PGI, चंडीगढ़ और देश के 350 से अधिक योग्य कुशल डॉक्टर्स की टीम द्वारा उचित परामर्श और इलाज की सुविधा मात्र 150 रुपए से 500 की फीस के साथ। याद रखें, रिसेंट पॉलीक्लिनिक, बिछिया ताड़ी खाना चौराहा, गोरखपुर। गोरखपुर में मिशन संभव के तहत नगर आयुक्त ने जन सुनवाई के 15 मामलों में 3 का किया तत्काल निस्तारण। मिशन संभव के तहत मंगलवार को गोरखपुर के नगर निगम में नगर आयुक्त अविनाश सिंह समेत अन्य निगम के अधिकारियों ने जन समस्याएं सुनी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले जन सुनवाई कार्यक्रम में 15 मामले सामने आए, जिनमें 3 का निस्तारण तत्काल किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि इस जनसुनवाई में नाली, सड़क, पानी सहित अन्य समस्याएं सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने की बात कही जा रही है। आज एक ड्राइवर की नौकरी के लिए भी शिकायत आई थी, जिसको आश्वासन दिया गया है कि उसकी नियुक्ति के प्रयास किए जाएंगे। विश्व योग दिवस पर अल्पाइन फाउंडेशन के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद पार्क में हुआ योगाभ्यास। विश्व योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को अल्पाइन फाउंडेशन के तत्वाधान में मुंशी प्रेमचंद पार्क में लोगों को योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर लोगों को योग के विभिन्न आयामों जैसे ओम का उच्चारण, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर अल्पाइन फाउंडेशन के सचिव अमृता राव ने कहा कि शरीर को ऊर्जावान बनाने में योग की भूमिका अहम होती है। पूरे विश्व में एक साथ योग की संस्कृति निरोगी काया एवं सामाजिक समरसता का संदेश देता है। हम सभी को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बलिया जनपद के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के वेतन भुगतान में हुआ खेल। खबर यूपी के बलिया से है, जहां स्वास्थ्य विभाग में वेतन भुगतान की जांच का मामला सामने आया है, जिसमें एक बड़ा खेल खेला गया है। यूपी के अपर सचिव गोपन एवं गृह के निर्देश पर मामले की जांच COCT को सौंपी गई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग बलिया में हड़कंप मचा हुआ है। मामला विभाग के 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन आहरण से जुड़ा हुआ है। एक शिकायत पर अपर सचिव ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। आरोप है कि 10 वर्ष पूर्व जिले में स्वास्थ्य विभाग में 152 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई थी। आरोप है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति 152 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी होता रहा, जिसमें विभागीय खेल की भी बू आ रही थी। शिकायत के बाद इस मामले में बलिया तत्कालीन CMO नीरज पांडे एवं लिपिकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में अपर सचिव के निर्देश पर COCT बलिया और मुख्य कोषाधिकारी को जांच सौंपी गई है। विभागीय अफसरों और लिपिकों को 152 कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी अभिलेख और वेतन आहरण संबंधी अभिलेखों के साथ तलब किया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या साक्ष्य है, क्या नहीं है, जब जांच चल ही रही है तो जांच का रिपोर्ट आने तक इंतजार तो करेंगे। जांच चल रही है, आप मुझसे भी क्यों करवाना चाहते हैं कि वो वैध है कि अवैध है? अभी ये कंफर्म है। बलिया में ही सड़क निर्माण में मानक की उड़ाई जा रही धज्जियां। बलिया के गरवाड़ ब्लॉक के गढ़वार रस्सर मार्ग से 600 मीटर जंगली बाबा स्थान तक बन रही सड़क में सरेआम मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, सड़क में मानक के आधार पर निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। जहां सड़क निर्माण में जगह जगह निचले हिस्से का गिट्टी दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई अधिकारी इसे देखने तक नहीं आ रहा है।
सड़क निर्माण में डाली गई नीचे की गिट्टी में सफेद बालू का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पिचिंग के दौरान सड़क पर लगभग 100 मीटर तक लेपन किया गया, लेकिन रोलर नहीं चलाया गया। जब गिट्टी ठंडी हो गई तब रोलर का प्रयोग किया गया। 2 सेंटीमीटर पर ही सड़क पर गिट्टी डालकर रोलर को चला दिया गया और ठेकेदार निर्माण कार्य दिखलाकर चल दिए। योगी सरकार में सड़क निर्माण के दौरान बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन कोई इस बनी सड़क को देखने वाला तक नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही सड़क पर ग्रामीण 8 वर्ष तक चल पाएंगे, या ऐसे ही होती रहेगी सड़क निर्माण में गड़बड़ी, या फिर होगी कार्रवाई। हालांकि अधिकारी इस मामले पर बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। हम लोग पीछे 16 तगाड़ी डालते हैं ना, 3.5 बाल्टी तेल डालते हैं। 3.5 बाल्टी तेल में कितना लीटर होता होगा? हो जाता है 4 लीटर का बाल्टी है। 14 लीटर 14 लीटर उसमें मैक्स पार्ट पड़ता है। और 16 तगाड़ी मतलब 16×32 फीट गिट्टी हो जाती है। जितना भी हो 32 फीट गिट्टी होती है, जितना भी हो 32 हो जाए। और इस सड़क पर कितना पड़ता है तेल? तेल तेल अब उससे कितना, हम लोग कोई नाते थोड़े हैं कि बताएं कितना पड़ रहा है। जितना उसका तेल दिया जाता है उतना दिया रहा है। अभी फर्स्ट कोट हो रहा है कि दोनों फाइनल है? ना, फर्स्ट है। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, MI, लावा, टेक्नोमोटो, ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9186874190008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 0551796013। राजघाट चक्रावल में एक बार फिर आबकारी विभाग को मिली सफलता, 125 लीटर शराब बरामद, 2 कारोबारी नामजद। गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत मंगलवार को आबकारी टीम ने राजघाट क्षेत्र के चक्रा अव्वल में दबिश की कार्रवाई की, जिसका नेतृत्व आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने किया। छापेमारी के दौरान आबकारी टीम ने 125 लीटर शराब बरामद करने के साथ ही 2 कारोबारियों के खिलाफ अभियोग भी पंजीकृत किया। उद्योग बंधु समिति की बैठक में मंडलायुक्त ने उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का दिया निर्देश। गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में मंगलवार को मंडली उद्योग बंधु समिति के सभी साथियों के साथ मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक विकास शासन की प्राथमिकताओं में से है। औद्योगिक क्षेत्र में CETP की स्थापना के संबंध में बताया कि औद्योगिक क्षेत्र गीड़ा में 7.5 MLD क्षमता के CETP की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें NMCG भारत सरकार द्वारा 93 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसमें NMCG प्रदेश सरकार तथा गीडा द्वारा वित्तीय भागीदारी की जानी है तथा SPV का गठन किया जा चुका है। साथ ही पर्यावरण स्वीकृति की कार्रवाई प्रगति पर है। मंडलायुक्त ने कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लोगों ने नहीं लिया।
डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान तेज, रोडवेज कर्मियों ने शुरू किया धरपकड़। रोडवेज के कर्मचारियों ने डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाया। कचहरी बस स्टेशन के आसपास डग्गा मार अनाधिकृत रूप से चल रही प्राइवेट बसों के खिलाफ रोडवेज के कर्मचारियों ने जांच अभियान चलाकर एक बस को पकड़कर चालान किया। कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी मच गई, कुछ बसें सड़कों से हट गईं। इसी क्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष परिवहन विभाग दिनेश मणि ने बताया कि डग्गा मार बसों की मनमानी नहीं चलेगी, उनके खिलाफ जाँच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। संचालन करने से एक तरफ जहां यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वहीं परिवहन निगम के राजस्व के आय की भी हानि होती है। हम लोग इनके संचालन की वजह से जब निगम की बसें घाटे में रहती हैं तो हमारे कर्मचारी अपने देयक भत्ते भी नहीं पाते, समय से अपनी तनख्वाह भी नहीं पाते। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।